हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो होने वाली है इस ट्रैक्टर के ऊपर, जो कि गाइस आप देख सकते हो कितने बढ़िया लुक मैंने इस ट्रैक्टर का दिया है। इस चैनल पर मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है उससे काफी बढ़िया है मैंने इसका लुक दिया। एंड गाइस, इसमें मैंने दो फीचर ऐड किए, यानी गाइस यहाँ पर मैंने दो स्विच दे रखे हैं। इसको हम ऑन करते हैं तो गाइस ये आगे चलता है। एंड गाइस, इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे मूव करता है, नीचे ऊपर। साइलेंसर जो है नीचे ऊपर होता है। एंड गाइस, फिर से मैं दोनों को साथ में चलाता हूँ, कितना बढ़िया ये वर्क करता है। तो गाइस, काफी बढ़िया ये वर्क कर रहा है। एंड गाइस, अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस यार लाइक कर देना, काफी ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। एंड गाइस, चैनल पर जो भी बंदे नए हो वो बंदे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैक्टर बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे गाइस गेयर मोटर है, 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है, एंड ऑन ऑफ स्विच है, एंड दो टायर, चार टायर की जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल मैंने दो ही रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गेयर मोटर काफ़ी पावरफुल होती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें परचेस करनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने ले लिया 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन शेल, जो कि इसका MAH आप देख सकते हो कितना MAH है, 2000 MAH का ये मुझे मिला है। 50 रुपये का मुझे इजीली मिल गया था। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हो तो ये थोड़ा महंगा है, 80 रुपये का लमसम आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर मैंने लिया है ऑन ऑफ स्विच, जो गाइज ऑन ऑफ करने का काम आता है। एंड गाइज, यहाँ पर मैंने दो टायर लिए। इसका आगे मैंने देख तो आप पेन का जो लगा दिया था कि गाइज ये थोड़ा लूज़ आ रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा जुगाड़ करके पेन के अंदर फिक्स करने का बना दिया है। तो फटाफट से अब बनाते हैं। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक कार्डबोर्ड लेना है। देख सकते हो आप मैंने कटिंग कैसे की, आप सेंटीमीटर भी देख सकते हो, मैं सेंटीमीटर एडिटिंग के द्वारा लिख दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो हमने गेयर मोटर ली थी वो ही वापस से ले लेनी है। एंड गाइस, दोनों को कुछ इस प्रकार से हमें लगा देना है। फटाफट से मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें लगाना है। इसके बीच में हमें दोनों को साथ में चलाने के लिए मैं कुछ करूँगा जुगाड़, तो फटाफट से उसका भी जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक गाइस, एक लकड़ी का मैंने कट कर लिया है गोल गोल राउंड राउंड, जो कि गाइस देख सकते हो आप, ये इसके अंदर इजीली फिट हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसको ले लिया। एंड ग्लू की मदद से मैं इसको चिपका दूंगा, फटाफट से मैं चिपका देता हूँ इसको भी। एंड गाइस, साइड में टायर के लिए भी निकालना पड़ेगा हमें, तो फटाफट से मैं उसके लिए भी निकाल लेता हूँ दो। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी उसी प्रकार से कर लेना है फटाफट से। तो फटाफट से मैं कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा फास्ट करके। तो मैं क्या करना है, जो हमने टायर लिए थे उसको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर डाल देना है। फटाफट से मैं दोनों तरफ डाल देता हूँ, एंड उसको कुछ यहीं पर ही जो गेयर मोटर है उसको चिपका देना है। फटाफट से मैं चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों गेयर मोटर को काफ़ी बढ़िया तरीके से चिपका दिया है। एंड गाइस, आप वायरिंग देख सकते हो किस प्रकार से इसकी वायरिंग मैंने की है। एंड गाइस, टायर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चिपक गए। फिर हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, उसको मैं देख तो आप किस प्रकार से मैंने कटिंग की, आपको भी इसी प्रकार से कटिंग कर लेनी है। एंड गाइस, उसको कुछ इस प्रकार से लगा देना, फटाफट से मैं चिपका देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस, अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा बढ़िया लुक आए, खाली तो छोड़ नहीं सकते, इसी वजह से मैंने क्या किया, एक मेरे पास रोबोट पड़ा था उसका मैंने मशीनरी निकाल के इसके अंदर लगा दिए, और ये चलती भी है गाइस। मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में। एंड कनेक्शन मैंने किस प्रकार से किए, जो नीचे गेयर मोटर थी उसका ऊपर ब्लैक वायर निकाल के रेड वायर एंड ब्लैक वायर दोनों को अलग अलग मैंने कर दिया। एंड गाइस, फटाफट से आगे का जो टायर है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आगे का टायर भी लग के तैयार हो चुका है। एंड गाइस, कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन काफ़ी ईजी है गाइस, प्लस जो प्लस प्लस है उसको कुछ इस प्रकार से लगाना है, एंड माइनस माइनस को ऐसे ही छोड़ देना, वो हमारे वायरिंग में आएगी। एंड गाइस, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ट्रैक्टर का जो हमारा वो होता है, जो भी होता है, फर्रा वर्रा कुछ बोलते हैं हमारे भाषा में, तो एंड गाइस उसको कुछ इस प्रकार से हमें लगा देना, आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है। फटाफट से मैं चिपका देता हूँ इसको दोनों तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फर्रे का काम है वो तो हो गया है, अब क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो मैंने बैटरी ली थी, उसको मैंने अपोजिट साइड में कनेक्ट किया है। एंड गाइस, दोनों तरफ से वायरिंग निकाल दी है, काफ़ी इजी है कनेक्शन करना, तो फटाफट से कर लेना गाइस, काफ़ी इजी है। एंड गाइस, उसको मैं कुछ इस प्रकार से लगा दूंगा, इस ट्रैक्टर के ऊपर चिपका दूंगा फटाफट से।
तो यहाँ पर हमारी बैटरी जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से चिपक गई है। एंड गाइस उसके बाद मैंने क्या किया, एक और कार्डबोर्ड लिया है ऊपर की साइज़ का, मैंने दो स्विच लगाने हैं, इसी वजह से इसके ऊपर होल कर दिया। एंड गाइस दोनों स्विच जो है मैं अलग अलग रंग लूँगा ताकि समझ में आ जाए किस से क्या चलेगा, किस से क्या चलता है। आप चाहे तो इसके लाइटिंग भी लगा सकते हो, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई है, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हो गए, देख सकते हो आप, एक वायरिंग जो हमारा बैटरी का है वो एक साइड जाएगा एंड एक साइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से ये चल रहा है, काफ़ी खतरनाक तरीके से चल रहा है। एंड गाइस इसी वजह से आगे बढ़ गया, अभी फटाफट से कनेक्शन कर देते दोनों के कनेक्शन करके। एंड यहाँ पर मेरा कनेक्शन का काम सारा हो चुका है। एंड गाइस काफ़ी बढ़िया इस ट्रिप का लुक आ रहा है। एंड गाइस चला के दिखाता हूँ, आवाज़ कैसे था इस कमेंट करके जरूर से बताना, काफ़ी बढ़िया आवाज़ लगी है मुझे इसकी। एंड गाइस बिल्कुल ट्रैक्टर जैसी आवाज़, ये सब मूव कर रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके अंदर साइलेंसर लगा दे ताकि ऊपर नीचे जो है साइलेंसर हो सके, काफ़ी बढ़िया हमारा लुक आएगा इससे। तो फटाफट से मैं साइलेंसर वाइलेंसर सभी चीज़ें लगाता हूँ, पीछे के भी सीट वीट सभी बाकी है, तो लगा के फिर आपको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। यहाँ पर हमारी सीट वीट सभी चीज़ें लग के तैयार हो चुकी है ट्रैक्टर की। अब हमें क्या करना, आगे थोड़ा कलर करना है, तो फटाफट से मैं करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कलर वलर सब चीज़ें हो गई है। एंड गाइस साइलेंसर आप देख सकते हो मैंने कैसा बनाया, ब्लैक रंग उसके ऊपर कर दिया मार्कर से। इसको हमें कुछ इस प्रकार से लगूंगा, वहीं पर लगाता पर वो ज़्यादा आगे हो जाता सिस्टम थोड़ा, तो फटाफट से मैंने इसको क्या किया थोड़ा लंबा करके से लगा दिया। एंड गाइस आपको चला के दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है, देख सकते हो आप गाइस कैसे ये वर्क कर रहा है, रियल आवाज़ सुन जा। गाइज आपको ट्रैक्टर की वीडियो जो है कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइज कमेंट सेक्शन पूरा भर दो कैसी लगी वीडियो। एंड गाइज आप शॉर्ट का मजा लो। एंड गाइज सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला, उसमें मैं इसमें डीजे सिस्टम भी करने वाला हूँ, काफ़ी बढ़िया होने वाला है। चलाते हैं इसको, गाइज कैसा हमारा वर्क कर रहा है पहाड़ी इलाकों में भी। खैर गाइज यकीन मानो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है, कितनी पावरफुल इसका इंजन है, काफ़ी तेज़ी से ये चल रहा है, दो गियर मोटर लगी, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लगी गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों चीज़ें जरूर से कर लेना। एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलो ताकि आने वाली इसकी सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाए। अब मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आप सेकंड पार्ट नहीं देख पाओगे, आप बना नहीं पाओगे। तो गाइज काफ़ी बढ़िया इसका लुक है। एंड गाइज आप शॉर्ट्स का मजा लो, काफ़ी बढ़िया इसका शॉर्ट्स आए हैं।